अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। नाज़रीन, आई प्लस दीनी हेल्पलाइन में आपका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम आपकी तरफ से मौसूल होने वाले सवालात के जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपके सामने वाजे कर दें कि अगर आप भी अपने सवालात भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें। इस नंबर पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं, वीडियो में, ऑडियो में या तहरीरी शक्ल में। लेकिन याद रहे कि जो सवालात हमको वीडियो और ऑडियो में मौसूल होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपना सवाल वीडियो या ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजें। सवाल पूछते हुए ध्यान रहे कि आपका सवाल मुख्तसर हो, कम से कम अल्फाज पर मुश्तमिल हो। इस तरह आपका सवाल बामकसद हो, उसके जवाब की किसी को ज़रूरत हो, उसका ताल्लुक अमल से हो, इबादत से हो। इसी तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवालात हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाबात हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। तो नाज़रीन, आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो सवालात हैं उनमें सबसे पहले वीडियो में कुछ सवालात हैं, उनको देखते हैं। पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ अनवर, मैं सबलपुर पटना बिहार से बोल रहा हूँ। क्या मिलादुल नबी बनाना सही है या गलत? ये हमारे एजाज हनवर भाई हैं, इनका सवाल ये है क्या ईद मिलादुलनबी मनाना सही है या गलत। तो देखिए, ये चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और ना ही सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से साबित है। और इबादात में जो चीज़ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबे कराम से साबित ना हो, अहद रसालत में वो चीज़ दीन का हिस्सा ना हो, तो बाद में अगर ऐसी कोई भी चीज़ दीन में दाखिल की जाती है, इजाफा किया जाता है, तो उसको बिदअत कहा जाता है और उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हदीस को रवायत फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अम्रिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, कि जिसने हमारे इस मामले में, अब बाज़ रवायात में है फ़ी दीनिना, हमारे दीन में जिसने कोई नई चीज़ शामिल की जो पहले से उसमें ना थी, फहुव रद्दुन, वो रिजेक्टेड है। और ऐसे ही सही मुस्लिम की हदीस अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई भी ऐसा अमल किया जो हमारे बताए हुए हुक्म के मुताबिक नहीं था, फहुव रद्दुन, वो रिजेक्टेड है, वो मरदूद है। तो इन हदीस से पता चला कि दीन में हम कोई चीज़ अपनी तरफ से इजाफा नहीं कर सकते, अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये चीज़ नहीं बताई गई है तो हमें भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ गलत है, इसके गलत होने में कोई शक और शुबहा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये लाजिम है हर मोमिन पर, हर मुसलमान पर। सही बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिद यानी वालदेन से भी ज़्यादा और बच्चों से ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा, तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। तो इस बारे में किसी को इख्तलाफ नहीं है कि हमारे दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे बढ़कर होनी चाहिए। लेकिन मोहब्बत का वही तरीक़ा मोतबर होगा जो किताब व सुन्नत की रोशनी में होगा। हर आदमी अपनी तरफ से मोहब्बत का अपना अपना म्यार बना ले कि ये मोहब्बत का तरीका है, ये इजहार मोहब्बत का तरीका है, तो हम उसे नहीं मान सकते। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो रहनुमाई मिलती है इस बारे में, वही हमारे लिए उसवा है, वही हमारे लिए नमूना है, हम उसी पर अमल करेंगे। तो मोहब्बत रसूल, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं है, बल्कि ईमान के लिए, इस्लाम के लिए ये लाजमी चीज़ है, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन मोहब्बत रसूल के नाम पर हम दीन में कोई चीज़ इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस बात से मना फरमाया। इसलिए मोहब्बत रसूल का तकाजा ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से दीन में कोई चीज़ ऐड करें, बल्कि मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि अगर कोई दूसरा शख्स दीन में कोई नई चीज़ लाने की कोशिश करे, हम उसको रिजेक्ट कर दें। ये मोहब्बत रसूल का तकाजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखने वाला वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन में किसी तरह के इजाफे को पसंद ना फरमाए, लाए हुए दीन की हिफाजत करे, उसकी तबलीग करे, उसकी नशर इशात करे, उस पर अमल के लिए सबको बुलाए, नहीं कि दूसरों की तरफ से बनाया हुआ दीन, बनाया हुआ तरीका उसको नाफिज करे, उस पर अमल करने के लिए लोगों को बुलाए। ज़रा सोचिए, गौर कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है क्या वो काफ़ी नहीं हमारे लिए कि अब हम दूसरों का बनाया हुआ तरीका लाते हैं और उस पर अमल करते हैं और कहते हैं कि ये मोहब्बत रसूल है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो तकाजा हो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल किया जाए, आपने जो काम करने का हुक्म दिया है उसको बजा लाया जाए और जिस काम से रोका है उससे रुक जाया जाए। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूँ फ़अतु मिन्हु मस्तताअतुम, तो जितना हो सके उस पर अमल करने की कोशिश करो, और किसी चीज़ से रोको तो उससे रुक जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नतों पर अमल करने का हुक्म दिया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, नबी की सुन्नत पर और नबी की वही सुन्नत जिस पर खुलफाए राशिदीन गामजन थे उस पर चलने का हुक्म दिया है। और मना किससे फरमाया है, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, देखो दीन में नई नई चीज़ लाने से बचो, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। तो ईद मिलादुन नबी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका नहीं है, ये सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का बताया हुआ तरीका नहीं है, इसलिए हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। और इस बारे में किसी को शक और शुबहा नहीं होना चाहिए कि ईद मिलादुन नबी की ईजाद बहुत बाद में हुई है। अगर हम किताबों का मताला करते हैं तो हमको मिलता है कि तकरीबन चौथी सदी हिजरी तक, यानी चौथी सदी हिजरी के निसफ अव्वल तक इसका कोई नामो निशान इस्लामी तारीख़ में नहीं मिलता है। चौथी सदी हिजरी के निसफ अखीर में जो फ़ातिमी खुलफा थे उन लोगों ने इसकी ईजाद की। और फ़ातिमी खुलफा कौन थे, अल-बिदाया व निहाया में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने उनके बारे में पूरी तफसीलात दी है कि वो कैसे लोग थे। बल्कि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने अल-बिदाया व निहाया में लिखा है कि वो लोग हकीकी मानों में मुसलमान भी नहीं थे, हकीकी मानों में मुसलमान भी नहीं थे। उस वक्त के जो उलमा थे उन्होंने उनके बारे में ये लोगों को ख़बरदार किया कि इन्होंने झूठ बोलकर अपने आप को फ़ातिमी कहा है, यह हकीकी तौर पर इस नस्ल से नहीं है, बल्कि इस्लाम से भी इनका ताल्लुक़ नहीं है, इन्होंने हुकूमत को, खिलाफत को हाईजैक कर लिया है और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इसकी ईजाद की चौथी सदी हिजरी के आखिर में। इससे पहले इस्लामी तारीख में कहीं इसका कोई वजूद नहीं मिलता है। और आखिरी बात मेरे भाइयों कि अगर किताब व सुन्नत में इस चीज़ की गुंजाइश होती और इस चीज़ का मुतालबा होता और ये चीज़ अच्छी होती तो सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इससे महरूम नहीं होते। सबसे पहले सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस पर अमल करते। ये वो सहाबा हैं कि जिनको नमाज का हुक्म मिलता है तो फ़र्ज़ नमाज तो जाने दें, नफिल नमाज ये इतना पढ़ने लगते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना पड़ता है कि भाई इतना नमाज मत पढ़ो, रात रात भर नमाज मत पढ़ो, तुम्हारे बाल बच्चों का भी तुम पर हक़ है। ये वो सहाबा हैं कि इनको रोज़ा रखने का हुक्म दिया जाता है तो फ़र्ज़ रोज़े के साथ नफली रोज़ा इतना रखने लगते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना करना पड़ता है। सिर्फ सहाबा नहीं बल्कि सहाबियात का मामला है। सुनन नबी दाऊद की मशहूर रवायत है कि एक सहाबिया मुसलसल रोज़े रखते जा रही थी, इस पर उनके शौहर ने उनको मारा भी। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शौहर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये रोज़ा रखती है तो रोज़ा रखते चली जाती है और ये मेरी बीवी है, मैं नौजवान आदमी हूँ, मैं सब्र नहीं कर सकता। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई भी औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर रोज़ा नहीं रख सकती, यानी नफली रोज़ा। तो देखें आप, रोज़ा रखने का हुक्म होता है तो सहाबा और सहाबियात इतना रोज़ा रखते हैं कि मना करना पड़ता है। ज़कात का हुक्म होता है तो फ़र्ज़ ज़कात जाने दें, नफली सदका खैरात इतना ज़्यादा दे रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना पड़ता है कि अपने बाल बच्चों के लिए कुछ बचा के रखो, ये बेहतर है इस बात से कि वो तुम्हारे जाने के बाद लोगों के सामने हाथ फैलाएँ, मुहताज रहें, इससे बेहतर है कि उनके लिए कुछ छोड़ के जाओ। तो ज़रा सोचें नमाज के मसले में, रोज़े के मसले में, ज़कात के मसले में, अमल के मैदान में साहबे कराम इतने आगे हों, और मीलाद के मसले में जबकि रोज़ का अमल नहीं है, साल में एक बार करना था, साहबे कराम ने कभी नहीं किया। जबकि साहबे कराम वो हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी जान की कोई परवाह नहीं करते थे, जान हाजिर करते थे। क्या उनके दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं थी? मोहब्बत थी, लेकिन वो मोहब्बत के तकाज़ों को जानते थे। वो जानते थे कि हम उन्हीं काम को कर सकते हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है, और जिन कामों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना फरमाया है उनसे वो दूर रहते थे और सख्ती के साथ दूसरों को भी उससे दूर रखते थे। सुनन दारमी की रवायत है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, उसी मस्जिद में कुछ लोगों ने एक तरीका शुरू किया, क्या कि हम कुछ कंकर और पत्थर इकट्ठा किया और कहा कि इस पर इतनी मरतबा अल्लाह अकबर कहो, इतनी मरतबा सुबहान अल्लाह कहो। ऐसे एक तरीका बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर कहते थे। बज़ाहिर वो अच्छी चीज़ उनको मालूम हुई। तो ये चीज़ जब लोगों ने देखी तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए और कहा कि मस्जिद में ऐसा ऐसा हो रहा है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत नाराज़ हुए, वहाँ गए, उन लोगों को डांटा। तो उन लोगों ने कहा कि ए साहबे रसूल, हमारा इरादा तो नेक है, यानी हमारा मकसद कोई बुरा नहीं है, ये तो अच्छा समझ के हम कर रहे हैं। इस पर मज़ीद डांटा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर इसको तुम अच्छा समझ रहे हो तो याद रखो, अगर ये वाकई अच्छा है तो इसका मतलब ये कि तुम लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से और सहाबे कराम के तरीके से भी बेहतर कोई तरीका पा लिया है। तो या तो ये हो सकता है कि तुम जो तरीका अपनाए हो वो पहले लोगों के तरीके से बेहतर था, या फिर ये हो सकता है कि तुम जलालत और गुमराही पर हो। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मौके से फरमाया कि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए, आपके बर्तन और आपके कपड़े अभी पुराने नहीं हुए हो, तुम लोगों ने ये सब करना शुरू कर दिया। तो ये सहाबे कराम हैं, ये सहाबे कराम से मोहब्बत करने वाले हैं कि वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर अमल को मुनासिब समझते हैं जो अमल नबी से साबित है, और जो साबित नहीं है चाहे कितनी ही अच्छी नीयत से उसे ईजाद किया गया हो, सहाबे कराम उससे सख्त नफरत का इजहार करते। बल्कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मस्जिद में नमाज पढ़ने से अपने आप को रोक दिया और कहा मैं इसमें कदम नहीं रखूंगा जब तक ये बिदअत यहाँ से ख़त्म नहीं हो जाती। वो बिदअत ख़त्म हुई तब उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू किया। तो इसलिए मेरे भाइयों, खैर के नाम पे, अच्छाई के नाम पे, भलाई के नाम पे भी हम कोई चीज़ दीन में ऐड नहीं कर सकते। जितना कुरान और हदीस से साबित है उतना ही करना है, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अहदे रसालत में, उस समाज में, उस अहद में जो चीज़ हमारे दीन का, इस्लाम का हिस्सा थी, आज भी वही चीज़ इस्लाम का हिस्सा रहेगी, और उस दौर में जो चीज़ इस्लाम का, दीन का हिस्सा नहीं थी, आज भी वो चीज़ दीन का हिस्सा नहीं बन सकती है। खुलासे कलाम ये कि ईद मिलादुन्नबी ये किताब व सुन्नत से साबित नहीं है, ना सहाबा ने इस पर अमल किया है, ना ताबीन ने इस पर अमल किया है, इसलिए हमें भी इस पर अमल नहीं करना चाहिए। उतना ही करना चाहिए जितना अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। उम्मीद है कि इतनी बातें आपके लिए काफ़ी होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज में मुझे अजीब अजीब वसवसे आते हैं। क्या वसवसे आने से नमाज बाकी रहती है या नमाज टूट जाती है? इसको कुरान और सही हदीस की रोशनी में वजाहत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। ये हमारे भाई साहब हैं, इनका कहना है कि नमाज में वसवसे आते हैं, क्या वसवसे आने से नमाज बातिल हो जाती है? तो देखिए, वसवसे अगर वाकई सिर्फ वसवसे हैं तब तो कोई मसला नहीं है। अगर वसवसे का मतलब ये है कि आप खड़े हुए और शुरू से आखिर तक आप ना कुछ पढ़ रहे हैं, ना सूरह फातिहा, ना कोई दुआ, बस सिर्फ ऐसे खड़े हैं, तब तो नमाज नहीं होगी। सूरह फातिहा तो नमाज का रुकन है। लेकिन अगर आप दुआएँ पढ़ते हैं, अज़कार पढ़ते हैं, रुकू सज्दा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका जहन थोड़ा मुंतशिर हो जाता है, इधर उधर के ख्यालात आते हैं, यानी सिर्फ वसवसा ही है, तो इससे नमाज बातिल नहीं होगी। इसलिए कि कुरान और हदीस में कहीं भी इस कैफियत के लिए ये नहीं कहा गया है कि इससे नमाज बातिल हो जाएगी। और बहुत सारी अहादीस में मिलता है कि सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात रखी कि नमाज में वसवसे आते हैं, जहन इधर मुंतशिर होता है। तो ऐसे किसी भी मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी नमाज बातिल हो जाएगी, बल्कि उन वसवसों से बचने का तरीका बयान फरमाया। जैसे एक तरीका ये कि आदमी जो है बाईं तरफ छुटकारे औज़बिल्ला पढ़े, और इसी तरह से एक रवायत में भी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि उसको सही कहा सहीहुल जामी वगैरह में, कि उज़्कुरिल मौत फ़ी सलातिका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज में मौत को याद करो, मौत को, और इस तरह से नमाज पढ़ो जैसे कोई शख्स अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज पढ़ रहा है। तो अगर ये सोच कर अगर कोई शख्स नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज में उसका दिल लगेगा और वसवसों से वो बचेगा। तो ये और जैसी बहुत सारी अहादीस हैं जिनमें वसवसों से बचने का इलाज बताया गया। ये नहीं कहा गया कि इससे नमाज बातिल हो जाएगी। इसलिए अगर वसवसे आते हैं तो ऐसा नहीं कि नमाज बातिल होगी, आदमी नमाज छोड़ के बैठे, नमाज पढ़े ही मत। नमाज उसको पढ़ना है, वसवसे आ रहे हैं फिर भी उसको नमाज पढ़ना है, और साथ ही साथ इन वसवसों को दूर करने की तरकीब उसे अपनानी है। तरकीब क्या है? तरकीब ये है कि जब नमाज में खड़ा हो तो ये सोचे उसके मौत, मौत को याद करें, मौत, कि हो सकता है कि ये नमाज हमारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, और यकीनन हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा ही होगा कि हम एक नमाज पढ़ के फारिग होंगे और अगली नमाज का वक्त आने से पहले इस दुनिया से जाने का वक्त आ जाएगा और अगली नमाज हमको नहीं मिल पाएगी। यह कब होगा हमें से कोई नहीं जानता, लेकिन हमें से हर एक के साथ यही होने वाला है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो। किसी की मौत का कोई वक्त लिखा हुआ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि जवानी में, बचपन में मौत नहीं आ सकती। मौत आ सकती है, हमको, आपको, किसी को, कभी भी, किसी वक्त मौत आ सकती है। इसलिए जब भी हम नमाज पढ़ें, कोई भी नमाज पढ़ें, चाहे हम छोटे हों, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, कोई भी, जब भी हम नमाज पढ़ें तो नमाज पढ़ते हुए ये तसव्वुर होना चाहिए कि शायद हमारी ज़िंदगी की ये आखिरी नमाज हो, ये अलविदाई नमाज हो, इसके बाद नमाज पढ़ने का मौका ना मिले। अगर ये कैफियत अपने अंदर पैदा करेंगे, वसवसे नहीं आएंगे, खुशो खुजो पैदा होगा। आप ज़रा तसव्वुर करें कि एक सहाबी को सजाए मौत दी जा रही थी कुफार की तरफ से, तो उन्होंने कहा मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी और बहुत हल्की नमाज पढ़ी, और कहा कि मैंने नमाज बहुत हल्की पढ़ी है, मैं चाहता था नमाज लंबी करूं लेकिन हल्की पढ़ी है ताकि तुम्हें यह ना लगे कि मैं मौत से डर गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, इस नमाज पर, जिसे पता चलता है कि मौत से पहले अगर मौका मिले तो 2 रकत नमाज पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ दिखाना ये है कि ज़रा सोचिए कि सहाबी रसूल ने जब 2 रकत नमाज पढ़ी होगी तो उसके बाद तो उनको मालूम है ना कि क्या मंजर है और क्या होने वाला है। तो ज़रा सोचिए कि उस 2 रकत की नमाज में अल्लाह से उनका ताल्लुक़ कैसा रहा होगा। उन्हें पता है कि सलाम फिरूंगा जिसके बाद इस दुनिया को छोड़ के जाना है। हमारे और आपके साथ अल्लाह न करे कभी ऐसा हो कि मौत हमारे सामने खड़ी हो, किसी को जो है सज़ाए मौत सुना दी गई हो और उसे मौका दिया जाए 2 रकत नमाज पढ़ने का, तो 2 रकत नमाज मौत से पहले पढ़ेगा तो ज़रा अंदाज़ा करें कि उस नमाज में अल्लाह से उसका ताल्लुक़ कैसा होगा, क्योंकि उसे पता होगा ना कि इस नमाज के बाद अब दोबारा नमाज पढ़ने का मौका नहीं है और इस नमाज के बाद मौत सामने खड़ी है और अल्लाह के पास जवाब देना है। ज़रा सोचें वो ये 2 रकत कैसे पढ़ेगा। तो हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं फ़र्ज़ नमाज, तो हर नमाज को यही सोच कर पढ़ना चाहिए कि शायद ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो। ये सोच कर अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज़ों में वसवसे नहीं आएंगे, खुशू खुजू पैदा होगा। और सही मुस्लिम की बड़ी मशहूर रवायत है ना कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बहुत सारे सवालात किया। उन्हीं में से एक सवाल था कि मल एहसान, एहसान क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि एहसान ये है कि अंता अबुदल्लाह का अन्नका तरा, कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। और अगर ये कैफियत अपने अंदर पैदा ना कर सको कि तुम अल्लाह को देख लो, तो कम से कम ये तसव्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो इसी कैफियत के साथ नमाज पढ़ें तो ये एहसान वाली इबादत होगी, एहसान वाली नमाज होगी, अच्छी नमाज होगी कि जब हम अल्लाह के सामने खड़े हों नियत बांध के तो ये तसव्वुर होना चाहिए गोया कि अल्लाह के सामने हम खड़े, हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं, ऐसा लगे हमको। अगर ये तसव्वुर और ये कैफियत ना पैदा होने पाए तो कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि हम खड़े हैं और अल्लाह हमको देख रहा है। इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो वसवसे दूर होंगे। और असल जो आप पूछना चाहते हैं कि क्या इन वसवसों से नमाज बातिल हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, इन वसवसों से नमाज बातिल नहीं होगी। इसलिए नमाज नहीं छोड़ना है, वसवसों के नाम पर कि वसवसे आ रहे हैं, जब तक ये इसका इलाज नहीं होगा जब तक नमाज कौन पढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको नमाज जारी रखनी है और वसवसों को ख़त्म करने की भी कोशिश करते रहना है। ये वसवसे ख़त्म हो या ना हो, बहरहाल नमाज वाजिब है, नमाज मुसलसल जारी रहनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। नाजरीन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ऑडियो में कुछ सवाल आते हैं उनको देखते हैं। अगला सवाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या किसी मर्द को अगर ताकत शहवत नहीं है तो उस पर शादी हराम है? भाई साहब का पूछना यह है कि किसी मर्द को शहवत की ताकत नहीं है, मतलब ये कि वो शादी कर लेगा तो अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर पाएगा। दूसरे अल्फाज में कह लें वो ना मर्द है, तो वो किसी औरत से शादी कर सकता है कि नहीं, उसके लिए जायज़ है या नहीं, ये भाई साहब का सवाल है। तो देखिए कुरान और हदीस में कहीं भी ऐसे शख्स को इस बात से मना नहीं किया गया है कि वो शादी ना करे, उसके लिए ऐसा हुक्म नहीं कि वो शादी नहीं करे। इसलिए अगर वो शादी करना चाहता है तो शादी कर सकता है, कोई शख्स उसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि कुरान और हदीस में ऐसे शख्स को शादी से नहीं रोका गया है। हाँ, ये लाजिम और ज़रूरी है कि ये शख्स अपना ये ऐब वाजे करके रखेगा, जिससे भी शादी करना चाहेगा उसके सामने ये वाजे कर देगा कि इसके अंदर ये ऐब है। अब इस ऐब के बावजूद कोई औरत, कोई लड़की इसके साथ रहना चाहती, इसकी बीवी बन के रहना चाहती, तो उसकी मर्ज़ी, दोनों राज़ी है, दोनों की शादी, वली राज़ी है लड़की का और लड़की राज़ी है तो शादी हो सकती है। यह हो सकता है कि जैसे इसके अंदर एक माइनस पॉइंट है, ऐसे किसी औरत के अंदर भी कोई ऐब हो, किसी तरह का कोई ऐब हो, तो वो दोनों शादी करना चाहते हैं, अच्छी बात है, शादी कर सकते हैं। या किसी औरत के अंदर कोई ऐब ना भी हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो, लेकिन फिर भी वो राज़ी है इसके साथ शादी करने के लिए, वो इसके साथ शादी कर सकती है, इसके साथ रह सकती है, कोई मसला नहीं। जहाँ तक जवाज़ की बात है, इसके जायज़ होने में कोई शक और शुबहा नहीं। अलबत्ता जहाँ तक बेहतर और अफजल की बात है तो यही कहेंगे कि जो सेहतमंद औरत है, सेहतमंद लड़की है, तो उसी एतबार से एक सेहतमंद जोड़ी की तलाश करनी चाहिए। और ये शख्स जिसके अंदर कुछ कमी है तो ये भी उसी तरह की कोई लड़की तलाश करे कि उसके अंदर भी कोई कमी हो, तो दोनों की जोड़ी बन जाए और दोनों का एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का एक साथ मिल जाए। तो शादी करने का अगरचे एक मकसद ये होता है औलाद पैदा करना, लेकिन और भी कई मकासद होते हैं, शादी के और भी कई फ़वायद हैं और भी कई मकासद हैं। तो एक शख्स अगर इस एतबार से कमज़ोर है तो इस बात का तो हक़ रखता है कि और दूसरी शादी के जो दूसरे फ़वायद हैं उनको वो हासिल कर सके। तो अगर वो शादी करना चाहता है कर सकता है, शर्त यह है कि वो इस ऐब को छुपाए नहीं, इस ऐब को जाहिर करके, इस ऐब को बता के वो शादी करे। और कोई भी लड़की अगर उसके साथ तैयार है शादी करने के लिए तो शादी कर सकता है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब मेरा सवाल ये था कि जो लोग बीड़ी सिगरेट पीकर मस्जिद में आते हैं क्या उनकी नमाज हो जाती है? दूसरा ये कि कुछ इमाम यहाँ पे, मैं इंडिया पंजाब से बात कर रहा हूँ, कुछ इमाम लोग बीड़ी पीते हैं, जो इमाम बीड़ी पीते हैं क्या हमारी नमाज उनके पीछे हो जाती है? क्या उन जो बीड़ी पीने वाले लोग हैं क्या उनका जमात कराना इमाम बनकर क्या जायज़ है? क्या हमारा उनके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है? जज़ाकल्लाह खैर। ये हमारे भाई साहब, इनका सवाल ये है कि अगर कोई बीड़ी सिगरेट पी के मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता है तो उनकी नमाज होती है या नहीं, और साथ ही दूसरा सवाल ये है कि अगर इमाम बीड़ी वगैरह पीता है तो उसके पीछे नमाज होती है या नहीं, उसके पीछे नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं। दो सवाल है, दोनों एक ही तरह का सवाल है। तो जहाँ तक के आम लोगों की बात है, मुक्तदी हजरात की बात है, तो उनके लिए भी यही मसला है कि बीड़ी सिगरेट ये हराम और नाजायज़ है, और इसके नुकसानदा होने पर पूरी उम्मत क्या पूरी दुनिया का इत्तेफाक है। यानी इस वक्त रोए ज़मीन पे कोई शख्स आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मजमूई एतबार से ये चीज़ फ़ायदेमंद है। मजमूई हल्का फुल्का इक्का दुक्का कोई फ़ायदा गिना सकता है, लेकिन मजमूई एतबार से यानी असल ये नुकसानदेह है। हत्ता कि जो सिगरेट वगैरह का जो पैकेट होता है उस पर भी लिखा रहता है कि ये सेहत के लिए मुज़िर है, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो एक ऐसी चीज़ जो इतनी ख़तरनाक हो वो चीज़ जायज़ कैसे हो सकती है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कि अपने आप को हलाकत की तरफ मत ले जाओ, हलाकत के कुएं में मत ढकेलो अपने आप को। तो ये चीज़ जायज़ और दुरुस्त नहीं है, इसमें कोई शक और शुबहा नहीं है। बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन चूँकि ये बात मुत्तफ़क़ अलैह है इसलिए बहुत ज़्यादा दलाइल देने की ज़रूरत नहीं है। जो सवाल आपका है कि ऐसा कोई खाता पीता है, मस्जिद में आता है, उसकी नमाज होगी कि नहीं, तो देखिए गर्च ये चीज़ नाजायज़ और हराम है, लेकिन इसका ये माना नहीं है कि उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज पढ़ता है उसकी नमाज हो जाएगी। अगर कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, ये बहुत गलत काम करता है, इसमें ज़रा भी शक शुबह की बात नहीं। वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसान का काम कर रहा है। अब खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, दुनिया भी बर्बाद कर रहा है, आखिरत भी बर्बाद कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बुराई के बावजूद भी उसकी नमाज हो जाएगी। आप किसी चीज़ को बुरा समझ रहे हैं, कोई चीज़ बुरी उसका तस्करा कर रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि जिस इबादत को चाहें, जिस नेकी को चाहें उसके ज़रिए उसको डिलीट कर दें, ऐसा नहीं है। ये बुराई है अपनी जगह पर, लेकिन इसका ये माना नहीं है कि उसकी नमाज भी बर्बाद हो जाएगी। अगर आपको मिसाल से समझाऊं तो इसकी मिसाल ये है कि जैसे दाढ़ी छीलना, ये हराम और नाजायज़ है। बीड़ी पीने से भी बड़ा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है, हराम और नाजायज़ है। ये जो दाढ़ी छीलते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, और जिस चीज़ का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं वो चीज़ वाजिब होती है, फ़र्ज होती है। तो दाढ़ी रखना ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, लाजिम है, वाजिब है। अब कितने लोग हैं मुसल्लियान में जो आते हैं और दाढ़ी नहीं रखते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि उनकी नमाज ही नहीं होती? ठीक है, ये गुनाह का काम है, दाढ़ी काटना, छीलना गुनाह का काम है, बहुत बड़े गुनाह का काम है, कोई छोटा गुनाह भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि उसकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ही बीड़ी सिगरेट का मसला है। कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, बहुत गलत करता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसकी नमाज नहीं होगी। यही मामला इमाम का भी है, जो आपने दूसरा सवाल किया है कि इमाम बीड़ी सिगरेट पीता है, उसके पीछे नमाज होगी कि नहीं। तो इमाम की जब अपनी नमाज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मुक्तदी हजरात की भी नमाज हो जाएगी। जब मुक्तदियों से मुतलिक आपके सामने ये वाज़े कर दिया गया कि उनकी नमाज होती है, उनकी नमाज हो जाएगी। तो अगर किसी शख्स जो बीड़ी पी रहा है उसकी अपनी नमाज हो जाएगी तो मुक्तदी हजरात की भी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं। ठीक है, हाँ इमाम साहब जो बीड़ी पी रहे हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसमें शक नहीं है। यकीनन उसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती, बल्कि उसकी जितनी भी हौसला शिकनी की जाए कम है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि उसकी नमाज नहीं होगी या उसके पीछे जो नमाज पढ़ रहे हैं उनकी नमाज नहीं होगी। अलबत्ता यहाँ पे दो चीज़ें वाज़े करना बहुत ज़रूरी है, मुक़्तदी हजरात के ताल्लुक से भी जो बीड़ी पी के आते हैं, और इसी तरह से इमाम साहब के ताल्लुक से भी जो बीड़ी सिगरेट पी के इमामत करते हैं। मुक़्तदी हजरात के बारे में मैं वाज़े कर दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बीड़ी सिगरेट तो बहरहाल हराम और नाजायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है लहसुन प्याज वगैरह के बारे में, जो कि जायज़ है, हराम नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उसे खाकर मस्जिद में आना ये ममनू है। सही मुस्लिम की रवायत है, अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे एक मौके पर, एक गज़वे का मौका है, वन्नासु जियाउन, लोग भूखे थे। ज़रा गौर कीजिएगा सिचुएशन क्या है कि लोग भूखे थे। कहते हैं कि हम जहाँ पे थे वहाँ पे अस्सूम, वहाँ पे जो ये लहसन था, और वहाँ पर फ़अकलना मिनहा अकलन शदीदन, यानी ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा खा ली। सुम्मा रुहना इलल मस्जिद, फिर हम मस्जिद को गए, फ़वजदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रिहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बू महसूस हुई। फ़क़ाल, तो कहा, मन अकल मिन हादिहि शजरतिल खबीसा शैअन फ़ला यक़रबन्ना फ़िल मस्जिद, कहा कि इस खबीस दरख्त से अगर कुछ भी कोई खा ले तो फ़ला यक़रबन्ना फ़िल मस्जिद, तो मस्जिद में हमारे करीब ना आए। और इस तरह की बहुत सारी रवायत हैं। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाया है कि फरिश्ते भी नमाज में होते हैं, उनको इससे बड़ी अजियत होती है, इसलिए ये चीज़ें खा के मस्जिद में नहीं आना है, लोगों के साथ बाजमात नमाज नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें। तो ज़रा गौर करें कि जो चीज़ जायज़ है, हराम नहीं है, हलाल है, उसको भी नमाज के वक्त खाने से मना फरमा दिया गया है। तो जो चीज़ हराम है और उसकी बू ये प्याज और लहसुन से भी ज़्यादा जो है मकरूह और ज़्यादा नापसंदीदा बू होती है, उसको खा के मस्जिद में हम कैसे आ सकते हैं। मसला सिर्फ बू का भी नहीं बल्कि दूसरों के लिए नुकसानदेह भी है, इसलिए बीड़ी सिगरेट पी के किसी भी मुक्तदी को नहीं आना चाहिए मस्जिद में। और इमाम साहब को तो बदरजे औला नहीं आना चाहिए। इमाम साहब के लिए ये तो और बुरी बात है कि वो बीड़ी सिगरेट पिए, और ये उस सूरत में जब कोई इमाम बन गया है। लेकिन अगर इमाम बनाने की बात हो, अगर मस्जिद के लिए इमाम को चुनने की बात हो और वहाँ पे कई तरह के इमाम अवेलेबल हों और उसमें कोई बीड़ी पीता हो तो उसे तो रिजेक्ट कर देना चाहिए, उससे मस्जिद का इमाम नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पीछे नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी, लेकिन जब इमामत के लिए चुनना हो तो जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं उन लोगों को इमामत के लिए मुंतखब नहीं करना चाहिए। तो खुलासा ये है कि चाहे मुक्तदी हो चाहे इमाम, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन मस्जिद में बीड़ी सिगरेट पी के आना चाहे मुक्तदी हो चाहे इमाम हो, दोनों के लिए सख्त गुनाह है, दोनों के लिए नुकसानदेह भी है, गुनाह का काम है। और इमाम के लिए तो और ज़्यादा बुरी बात है, बल्कि अगर पहले से पता चल जाए कि ये शख्स जिसको इमामत के लिए चुना जा रहा है ये बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो उसको इमामत के लिए चुनना भी नहीं चाहिए। उम्मीद है कि चीज़ें आपके लिए वाज़ेह हो गई होंगी। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हम आपके सामने फिर वाज़ेह कर दें कि अगर आप भी अपने सवालात हम तक भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इसे नोट फरमा लें। इस नंबर पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं, वीडियो में, ऑडियो में या लिख कर। लेकिन याद रहे कि जो सवाल हमको वीडियो या ऑडियो में मौसूल होते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं। सवाल पूछते हुए याद रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो, कम से कम अल्फाज में हो, आपका सवाल बामकसद हो, उसका ताल्लुक अमल से हो। इस तरह सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ और सवाल हैं उनको देखते हैं। अगला सवाल। अस्सलामुअलैकुम, मैं महफूज आलम सिवान बिहार से बोल रहा हूँ। ऐसा है कि एक मसला था कि अगर बीबी इंतकाल कर जाती है तो उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए शौहर इजाज़त देगा या उसका लड़का इजाज़त देगा। यहाँ पे इख्तिलाफ हो गया। यहाँ का जो आलिम जो नमाज़ पढ़ाने वाला मौलाना थे वो कह रहे थे कि शौहर जो है इनका उनसे रिश्ता ख़त्म हो गया, ये नहीं दे सकते, इनका लड़का ही इजाज़त देगा। तो बताइए क्या लड़का इजाज़त देगा या शौहर इजाज़त देगा अगर बीबी इंतकाल करती है तो उसके जनाजा पढ़ाने के लिए? ये हमारे महफूज आलम भाई हैं, सीवान बिहार से सवाल कर रहे हैं। इनका पूछना ये है कि अगर किसी औरत का इंतकाल होता है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए किसी को इजाज़त देनी हो तो इजाज़त कौन देगा, उस औरत का शौहर देगा या उसका बेटा वगैरह देगा? कहते हैं कि बाज़ लोगों का कहना है कि शौहर इजाज़त देने का हक़ नहीं रखता है क्योंकि उसकी बीवी मौत के बाद उसके रिश्ते से कट चुकी है, अब उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रह गया है, इसलिए वो इजाज़त नहीं देगा। तो इसी सिलसिले में भाई साहब का सवाल है। तो देखिए, जो साहब भी ये कहते हैं कि मौत के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं उनके पास इस बात की कोई दलील मौजूद नहीं है। ये जो शादी का रिश्ता है ये अगर मौत हो गई दोनों की और तलाक नहीं हुआ है, खुला नहीं हुआ है, तो ये रिश्ता बाकी रहेगा। इस रिश्ते को ख़त्म करने का दावा कोई नहीं कर सकता। और मियाँ बीवी में से कोई एक फौत हो गया तो फौत होने के बाद भी दूसरा उसके रिश्ते में बाकी माना जाएगा और तमाम अहकामात जारी होंगे, जैसे देखने वगैरह के अहकामात हैं, तो वो हुक्म बाकी रहेगा। यानी एक शौहर अपनी फौत शुदा बीवी को देख सकता है। और ये कितना बड़ा जुल्म है, बहुत अफसोस होता मुझे उन लोगों पर जो बगैर किसी दलील के ये कहते हैं कि एक औरत मर गई अब अपने शौहर के लिए हराम होगी, पूरे तौर से देख भी नहीं सकता। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी एक शख्स अपनी मरी हुई बीवी को देख भी नहीं सकता। मालूम नहीं ये कैसी फ़काहत है, ये कैसा कलाम समझ से बाहर है, जबकि इस बात की कोई दलील भी नहीं है कुरान और हदीस में, बल्कि दलील तो इसके बरखिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि अगर तुम फौत हो गई मेरी ज़िंदगी में तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा, मैं तुम्हें कफन दूंगा। तो आप सल्लम का ये फरमाना कि अगर तुम्हारी वफ़ात हो जाती है तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा, कफन दूंगा, ये इस बात की दलील है कि वफ़ात होने के बाद भी मियाँ बीवी का रिश्ता बाकी रहता है। इसी तरह से अज़वाज मुतारात के बारे में है कि वो वफ़ात के बाद जन्नत में भी आप सल्लम की बीवियाँ होंगी। बल्कि आम ख़वातीन के बारे में भी है कि वो अपने शौहर के साथ रहेंगी अगर दोनों जन्नती हैं। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने एक हदीस नकल फरमाई है असहिया में, उसको सही करार दिया है, जिसके अल्फाज अलमरअतुल आखिर अज़वाजिहा, कि एक औरत की आखिरी बार जिससे शादी होती है वो उसी के साथ जन्नत में रहेगी। ये हदीस भी दलाल करती है कि रिश्ता बाकी रहेगा। इसके अलावा देखें सूरह निसा में जो मीरास की आयतें हैं उसमें हिस्सा दिया गया है इसी बुनियाद पर कि ज़ौजैन एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, यानी एक शौहर मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी में उसकी बीवी का हिस्सा है 1/8 या 1/4। तो अगर मर जाने के बाद कोई रिश्ता ही नहीं है तो हिस्सा किस बात का। ऐसे ही बीवी अगर मर जाती है, अगर उसके पास माल है तो उसके माल में शौहर का हिस्सा होता है 1/2 या 1/4। तो अगर बीवी के मर जाने के बाद शौहर का कोई रिश्ता ही नहीं रह जाता तो किस बुनियाद पर वो उसके माल में हिस्सेदार होगा। तो जैसे बेटे का रिश्ता होता है तो ऐसे शौहर मियाँ बीवी का भी एक दूसरे से रिश्ता होता है। और असबाब विरासत में ये बाकायदा एक सबब है, निकाह एक सबब है। अगर ये निकाह टूट गया तो विरासत भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे एक आदमी ने किसी औरत से शादी किया, अब इसको तलाक दे दिया या औरत ने खुला ले लिया, निकाह ख़त्म। अब तलाक हो गया या खुला हो गया, निकाह ख़त्म हो गया, वो औरत इसके निकाह में बाकी नहीं रही, तो अब ये अगर मरता है तो वो इसके माल में हिस्सा नहीं पा सकती है। क्यों? क्योंकि निकाह में नहीं है। पता चला कि निकाह ये सबब है विरासत में हिस्सेदारी का। तो एक औरत मर जाती है, उसके मरने के बाद शौहर ज़िंदा रहता है, या शौहर मर जाता है, उसके मरने के बाद औरत ज़िंदा रहती है, तो ये दोनों एक दूसरे के माल के हिस्सेदार होते हैं। ये खुद इस बात की दलील है कि मरने के बाद ये रिश्ता ख़त्म नहीं होता है। इसके अलावा देखें सहाबा में कई ऐसे आसार मिलते हैं कि मरने के बाद देखना तो जाने दे, एक दूसरे को गुस्ल देने की बात मिलती है। जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी अस्मा बिनते उमैस के बारे में आता है कि इन्होंने अपने शौहर अबू बकर सिद्दीक़ और रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्ल दिया था। और ऐसे ही फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है कि उन्होंने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत की थी कि उनकी वफ़ात के बाद उनको गुस्ल देंगे, उनके शौहर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये तमाम आसार भी इस बात पर दलाल करते हैं कि मरने के बाद भी ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, ये निकाह, ये बाकी रहता है और इस बुनियाद पर एक दूसरे को देख सकते हैं, बल्कि गुस्ल तक दे सकते हैं। तो जब गुस्ल दे सकते हैं तो देख क्यों नहीं सकते। ख़ुलासे कलाम ये कि जिसने भी आपसे कहा है कि बीवी के मरने के बाद उसका जनाजा कौन पढ़ाए, ये इजाज़त देने का हक़ शौहर को नहीं, ये बात गलत है। हाँ, उसका बेटा, उसका बाप भी आगे आकर अपनी राय दे, ये अलग मसला है, लेकिन ये कह देना कि शौहर अपनी ज़ुबान बंद कर ले, वो कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि उसका कोई रिश्ता नहीं रह गया, ये बिल्कुल गलत बात है। मरने के बाद भी रिश्ता रहता है, मरने के बाद भी उस औरत से उस शौहर का रिश्ता रहता है। बल्कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला करेगा तो ऐसे मियाँ बीवी जो इस दुनिया में नेक अमाल कर रहे होंगे और जन्नत में दोनों जा रहे होंगे, ये सारी फैमिली एक साथ रहेगी जन्नत में। कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है सूरह इंशिकाक सूरह 84 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाता है फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, कि जिसका नाम अमाल उसके दाएँ हाथ में दिया जाएगा, फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उससे जो हिसाब किताब होगा वो बड़ा आसान होगा, वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो अपने अहलो अयाल के पास खुश होकर जाएगा। यनक़लिबु इला अहलिही, अपने अहल के पास, अपनी फैमिली के पास, अपने बाल बच्चों के पास, अपनी बीवी के पास वो खुश खरम होकर जाएगा। तो मरने के बाद भी ये रिश्ता बाकी रहेगा, ऐसा नहीं कि रिश्ता ख़त्म हो गया। मरने के बाद भी ये रिश्ता, जन्नत में भी ये मियाँ बीवी साथ में होंगे, अगर दोनों जन्नती होंगे तो दोनों ये साथ में होंगे। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि निकाह की मौत के बाद ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है, इसकी कोई दलील नहीं है। बल्कि दलील तो इस बात की है कि मरने के बाद भी ये रिश्ता बाकी रहता है और उसी रिश्ते की बुनियाद पर बीवी को ये इजाज़त होती है कि वो शौहर को गुस्ल दे मरने के बाद, और शौहर को ये इजाज़त होती है कि बीवी के मरने के बाद वो उसको गुस्ल दे सकता है। इसी तरह विरासत का भी ताल्लुक होता है, एक दोनों का एक दूसरे से, ये सारी चीज़ें इस बात की दलील है कि ये रिश्ते निकाह बाकी रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है। उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा सवाल बस ये है कि कोई इंडियन आदमी अपना इंडिया में अपना बाप मौजूद है और नेपाल में वो अपना बाप को बना के किसी दूसरे को बाप बना के पासपोर्ट बनाता है, नागरिकता बनाता है और विदेश जाता है, तो वो कमाई कैसा है? बस यही सवाल। ये एक भाई साहब हैं, इनका कहना है कि एक शख्स इंडिया का है, उसका बाप मौजूद है, वो नेपाल में जाके नकली पासपोर्ट बनवाता है, किसी और को अपना बाप बता के जाके फिर कमाई करता है, ये कैसा है? देखिए, ये फ्रॉड है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हिंदुस्तान में भी आपका पासपोर्ट बन सकता है, आपका असली बाप है, आप उसके बेटे हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे पासपोर्ट बनाने में? तो यहाँ तो ऐसा कोई कायदा कानून नहीं कि बिला वजह आपका पासपोर्ट रुक जाए, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। तो दूसरे मुल्क में जाना, किसी और को अपना बाप बनाना, ये तो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी, ना शरीयत में इसकी इजाज़त है और ना कोई मुल्क इसकी इजाज़त देगा। ये गैर कानूनी है, मुल्की एतबार से भी ये गैर कानूनी है और शरीयत इस्लामिया के लिहाज से भी ये गैर शरई काम, ये धोखा है, ये फ्रॉड है। और इस्लाम में धोखे फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं है, ये गलत काम है। बाकी ये है कि इस तरह से गलत काम करके कोई कहीं पे चला गया और वहाँ पे वो कमा रहा है, तो उसकी कमाई कैसी है? तो देखिए, ये जो प्रोसेस है जाने का, ये तो गलत है, हराम है, इसकी गुंजाइश नहीं, इसको हम सही नहीं कह सकते। शरीयत के हिसाब से भी गलत है और मुल्क के कानून के हिसाब से भी गलत है। लेकिन इस गलत तरीके पर अगर वो कहीं पे चला गया और वहाँ वो जायज़ काम कर रहा है, हलाल काम कर रहा है, कोई हराम काम नहीं कर रहा है, किसी का माल नहीं लूट रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, हलाल काम कर रहा है, तो हलाल काम जो कर रहा है उसको हम हराम नहीं कह सकते। जैसे जाके कहीं से क्या मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको मजदूरी मिल रही, वो कमा रहा है, तो ये चीज़ उसके लिए जायज़ है। लेकिन इसका यहाँ से वहाँ पहुँचना है, जो सफ़र करके वहाँ गया है, तो ये हराम तरीके से गया है और इसका गुनाह उसको मिलेगा। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो हलाल काम कर रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि हलाल जो कमाई है वो भी हराम है, वो भी गलत है, ऐसा नहीं कह सकते। अलबत्ता ये शुरू में इसने गलती की है, इसकी सज़ा उसको मिल सकती है, तो दुनिया में भी मिल सकती है और मरने के बाद भी। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, सवाल ये है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ इसके बारे में कि हमने पहले भी सवाल किया था, बच्चा ड्रॉप किया हमने, उसके माँ बाप को पता नहीं था, उसके डॉक्यूमेंट कैसे बनवाएं? अपना नाम तो लिखवा नहीं सकते, तो डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे उसके? जरा इसकी वजाहत कर दें। ये एक भाई साहब हैं, शायद इन्होंने पहले भी सवाल किया था कि कोई बच्चा ये लेना चाहते हैं तो कहते हैं उसके डॉक्यूमेंट, उसके कागज़ कैसे बनवाएं, यानी ख़ुद उसका बाप नहीं बन सकते। इस्लाम में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी बच्चे को ऐसे शख्स की तरह मंसूब कर दिया जाए जो उसका बाप नहीं है, यानी उसके बाप की जगह उस शख्स का नाम लिख दिया जाए जो उसका बाप नहीं है। शरीयत इस्लामिया में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क़तअन इसकी कोई गुंजाइश नहीं। बहुत सारे लोग जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, अपना बेटा बना लेते हैं। देखिए, इस्लाम इस बात की हौसला अफजाई करता है कि आप किसी भी यतीम बच्चे की सरपरस्ती करें, उसके सर पर हाथ रखें, उसको पाले पोसे, बड़ा करें, तालीम दिलाएं, उसको डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, पूरा पैसा खर्च करें, कोई मसला नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि जो लावारिस बच्चे हैं या यतीम बच्चे हैं, आप उनकी किफ़ालत करें, आप उनका खर्चा उठाएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं, इस्लाम इससे मना नहीं कर सकता। लेकिन उस बच्चे को आप अपना नाम नहीं दे सकते, वो आपका बेटा नहीं, ये झूठ है, ये गलत बात है। उस बच्चे के साथ भी धोखा है और आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। वो बच्चा आपका बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है। ठीक है, आपने अपने घर पे रखा, ठीक है, आप मोहब्बत में उसको बेटा भी बोल दें, कोई मसला नहीं है, वो आपको अब्बा भी बोल दे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि हकीकी माने में उसको ये बता दे कि मैं तेरा बाप हूँ, बड़ा होकर वो समझे कि ये मेरा रियल बाप है, या आप उसको अपना नाम दे दें, इसकी कतअन कोई गुंजाइश नहीं। रही बात है कि पेपर कैसे बनाए, तो पेपर वैसे बनाए जो उसकी हैसियत है। अगर आप किसी को पालना पोसना चाहते हैं, आप उसके लिए कानूनी रास्ता तलाश करें, यह आपका मसला है, यह आपका मसला है कि आप कैसे रास्ता तलाश करते हैं। क्या ज़रूरत है उसके आगे लिखने की अपना नाम? आप उसका बाप क्यों बनना चाहते हैं? आप सरपरस्त क्यों नहीं बनना चाहते उसके? आप कहिए कि हम उसके सरपरस्त हैं, कहिए कि हम उसके देखभाल करने वाले हैं। कभी कभी एक शख्स की ज़िंदगी में उसका बेटा मर जाता है अपने पोते को छोड़कर, यह दादा उस पोते को पाल रहा होता है, तो क्या दादा उसको अपना नाम दे देगा पालने पोसने की वजह से? नहीं ना, तो पालता पोसता है लेकिन नाम उसके बाप का रहता है। तो ऐसे ही आप अगर किसी बच्चे को पालना पोसना चाहते हैं, उसके बाप का नाम नहीं पता है, ख़त्म, आप उसका सरपरस्त की जगह पे अपना नाम लिखवाइए। लेकिन आप उसको अपने आप को उसका बाप थोड़ी बता सकते हैं, आप खुद को उसका बाप नहीं बता सकते। ठीक है। तो इस बात की शरीयत में कतअन कोई गुंजाइश नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी बच्चे के बाप बन जाएं और कहीं पे जाके पेपर पे लिखा दें कि मैं इसका बाप हूँ, और वो बेचारा जवान हो जाए, बड़ा हो जाए, ये समझे कि ये मेरा रियल का बाप है। कतअन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। बाकी आप उसको पालें पोसें, और कोई बच्चा पालने पोसने के लिए कोई कानूनी रास्ता है, उसमें क्या दुश्वारी, ये आप समझिए आपका मसला है। लेकिन शरीयत का मसला ये रहेगा कि किसी भी सूरत में आप उसके बाप नहीं बन सकते, आप उसके नाम के साथ अपना नाम बतौर बाप नहीं लिखा सकते हैं। आप किसी और नाम से लिखा सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड पे होता है, आधार कार्ड पे एक शख्स का नाम होता है, पीछे उसका बाप का नाम होता है। ज़रूरी नहीं कि बाप का नाम रहे, बाप के अलावा किसी और का नाम भी वो डलवा सकता है, लिख के कि ये कौन है, चाचा है, मामा है, क्या है, उसका नाम भी वो डलवा सकता है। इस तरह से आप कोई पेपर बनवा सकते हैं, लेकिन ये कि खुद को उसका बाप बना देना, इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, हमारे सकन में, हमारे जहाँ पे रहाइश है, वहाँ पे एक छोटी मस्जिद है जहाँ पे हम लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। जुमा की नमाज़ तो नहीं होती, उसमें जुमा के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। तो ये 5 वक्त की जो नमाज़ होती है उसमें कभी अजान देने का वक्त मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी बाहर की अजान की आवाज़ आती है, कभी नहीं आती। तो क्या अजान देना इसमें नमाज के लिए ज़रूरी है, या फिर बाहर की अजान से या फिर वक्त हो गया तो हम नमाज़ पढ़ सकते हैं? ज़रा इसकी वजाहत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक भाई साहब, इनका पूछना है कि किसी सकन में रहते हैं, कोई हॉस्टल है, वहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है, और कहते हैं कि वहाँ हम कभी अजान के साथ नमाज़ पढ़ते हैं और कभी बगैर अजान की नमाज़ पढ़ते हैं। जुमा की नमाज़ वहाँ नहीं होती, जुमा की नमाज़ कहीं और पढ़ते हैं। तो इनका कहना ये कि जब हम बगैर अजान की नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज का क्या हुक्म है? तो सबसे पहली बात तो ये वाजह हो कि ये जिस कैफियत की मस्जिद आप बता रहे हैं हॉस्टल में, शायद वो मस्जिद नहीं बल्कि मुसल्ला है। शायद ये वजह है कि वहाँ पे या कभी कभी अजान नहीं होती, तो शायद वो मुसल्ला है, मस्जिद नहीं है वो, और शायद इसी वजह से वहाँ आप जुमा की नमाज़ भी नहीं पढ़ते, कहीं और जाके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि वो मस्जिद नहीं है, जहाँ तक जाहिर हो रहा है। आपने जिस तरह से बात रखी है उससे जाहिर ही होता है कि वो मुसल्ला है, मस्जिद नहीं। मुसल्ला और मस्जिद में फ़र्क होता है। मस्जिद ये है कि जो चीज़ अल्लाह की राह में हिबा कर दी गई, वक्फ़ कर दी गई है, यानी वक्फ़ लिल्लाह है, वो किसी की मिल्कियत नहीं है, तो वो क्या है, वो मस्जिद है। और मसला ये है कि किसी शख्स का कोई रूम है, कोई जगह है, और वो हमेशा के लिए है, वक्फ नहीं है, कुछ देर के लिए किसी ने दे दिया, लो जाओ नमाज़ पढ़ो, बाद में कोई भी उसका मालिक हो सकता है, कुछ आता पता नहीं, इसको मसला कहते हैं, ठीक है। तो मसला हो या इस जैसी जगहों पे अजान देके भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, और अगर अजान किसी वजह से नहीं दी जा सकती तो भी नमाज पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर उस इलाके में, उस एरिए में अजान हो रही है तो इंशाल्लाह उनके लिए भी काफ़ी है, वह नमाज़ पढ़ सकते हैं, उनकी नमाज़ हो जाएगी। और ये मसला जहन में रखें कि नमाज के लिए अजान गरचे वाजिब है, लेकिन अगर बगैर अजान के किसी ने नमाज़ पढ़ लिया तो नमाज उसकी बातिल नहीं है, नमाज उसकी सही होगी। तो नमाज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अजान हो या ना हो, इससे नमाज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज हो जाएगी। अलबत्ता ये चीज़ ज़रूरी है कि जिस मोहल्ले में आप हैं वहाँ पर नमाज पढ़ें, लेकिन ये चूँकि आपकी मरकज़ी मस्जिद नहीं है, बल्कि मस्जिद भी नहीं मालूम होती, मुसल्ला मालूम होता है, ये मुसल्ला है, इसलिए यहाँ पे अगर अजान नहीं हो रही है, कभी किसी वजह से अजान नहीं हो पा रही है, आप वैसे नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, वक्त तो हो चुका है, इसी पर हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, और आखिर में फिर आपके सामने वाजे करते हैं कि अगर आप भी अपने सवाल हम तक भेजना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, वीडियो में, ऑडियो में या लिखकर। लेकिन याद रहे कि जो सवाल हमको वीडियो या ऑडियो में मिलते हैं हम जवाब के लिए उन्हें पहले चुनते हैं। सवाल पूछते हुए ध्यान रखें कि आपका सवाल मुख्तसर हो, आपका सवाल बामकसद हो, और सवाल पूछते हुए अपना नाम और पता भी बताने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ख्याल करते हुए अगर आपके सवाल हम तक आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके जो सही जवाब हो सकते हैं वो आप तक पहुँचाएँ। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में कुछ और सवाल उनके जवाब के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन की बात आम करने में iPlus TV की मदद करें। पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।